क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 ऑर्डर का, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये भी एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर आई इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू। तो ए और बी जो ऑर्डर पेयर है वो किसके इक्वल है, मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगा, मान लो ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू 1 आएगा, तो ए बी ऑर्डर पेयर किसके इक्वल होगा, 2,1 के। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अब एडवांस, सॉरी ये एडवांस नहीं, मेंस का क्वेश्चन है, वही तो बोल रहा हूँ, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, इससे पहले जो सॉल्व किया वो भी मेंस का ही क्वेश्चन था, 2005 का शायद, आई थिंक 5 का क्वेश्चन था। तो इसको देख लो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, बस तुम इस इक्वेशन में मैट्रिक्स को पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के इक्वल करो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करो, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे सॉल्व किया है, ए लिखा है, ट्रांसपोज लिखा, 9 आई लिख दिया यहाँ पे, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर लो तो हमें ए का वैल्यू -2 आ जाएगा, बी का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो ए बी ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, -2, -1, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, ये दो क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी ये 13 है, ठीक है ना, ये दो बच्चा क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, तो इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 में जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो मैंने लिया है। देख लो, तुम लोग बोलोगे कि सिर्फ एडवांस और मेंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, एनसीईआरटी के नहीं करा रहे हैं, तो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी ले लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन ए बी माइनस बी ए इज ए, क्या होगा। ये तो ऑलरेडी बता रखा है, ये तो तुम्हें मैंने नोट में ही बता रखा है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक इसकी उससे मैट्रिक मैट्रिक्स होगा, देख लेना, नोट है ना उसमें बता रखा है। प्रूफ भी ऐसे देख लो, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ये पूछ रहा है कि ये बताओ क्या है, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम चेक कैसे करते हैं, ट्रांसपोज लेके, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये तो लिखा है ना ए माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको ए माना इसको बी माना, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, दोनों पे रिवर्सल लॉ लगा दिया, तो ये हो गया क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज को ए लिख दिया, क्यों लिख दिया, बिकॉज ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये क्या हो गया बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए, यहाँ देखो ये बी माइनस बी ए, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया ए बी माइनस बी ए, एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, प्रूफ हो गया, ए ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में क्या बोल रहा है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा में, अब बोल रहा है कि देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकालो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए प्लस ए ट्रांसपोज में वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डालोगे ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 cos α 0 0, 2 cos α आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दो, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 cos α इज इक्वल टू 1, तो cos α इज इक्वल टू 1/2, cos α इज इक्वल टू 1/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा cos π/3 के, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, तो बी ऑप्शन हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है, डू एक्सरसाइज 3.3 एंड ऑल प्रीवियस एग्जांपल्स, आप करोगे क्या सारे ये एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे थ्योरीज पढ़ लिए, वो हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिस बच्चे ने नहीं किया सॉल्व वो बहुत मतलब भारी संकट में आने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट है डाउट जितना पूछना है तुम मुझसे पूछो, मोस्ट वेलकम है आपको डाउट के लिए, मैं कई बार बोलता हूँ डाउट पूछो डाउट पूछो डाउट पूछो, जो किसी बुक से पूछ लो, तुम दुनिया के किसी बुक से डाउट पूछ लो, जिस बुक को तुम फॉलो कर रहे हो उससे डाउट पूछो, लेकिन एक बात याद रखना एनसीईआरटी बुक जो है वो तुम्हें छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को ना घोल कर पी जाओ, रट जाओ एकदम, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके रट्टा मार लो,
क्यों मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस अभी आगे बढ़ता जाएगा मैं बताता जाऊँगा कौन कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एक चैप्टर है एनसीईआरटी में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, 11th में भी पढ़ाया ना हमने 3D ज्योमेट्री, वो तो 2% पढ़ा है, 98% तो हम अब 12th में पढ़ेंगे। तो जो 3D ज्योमेट्री है अगर तुमने सिर्फ एनसीईआरटी से कर लिया तो तुम जेई मेंस के क्वेश्चन को बड़े प्यार प्यार से सॉल्व कर लोगे विद इन 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। हाँ, कहाँ चाहिए ज़्यादा एनसीईआरटी के बाद वो मैं तुम्हें बताऊँगा, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ज़्यादा चाहिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ ज़्यादा चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। 3D ज्योमेट्री सिर्फ जेई मेंस एडवांस के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए एनसीईआरटी से, वो अलग सी बात है, एडवांस थोड़ा अपने में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी में जो 3D ज्योमेट्री है मोर देन इनफ है। एक फर्स्ट जो चैप्टर है 12th का रिलेशंस एंड फंक्शन, तो उसमें जो रिलेशन टॉपिक है ना रिलेशन, ये मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता है। अगर तुमने एनसीईआरटी से रिलेशन कर लिया तो बाकी दुनिया के किसी बुक से मत करो, वो एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व हो गया, ये सब जेई मेंस का क्वेश्चन इस चैप्टर से, एनसीईआरटी के चैप्टर से तुम जेई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया, डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, ये अगर तुमने एनसीईआरटी से सॉल्व कर रखा है ना तो जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो इसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा टीचर क्यों होता है, इसीलिए तो होता है, टीचर गाइड भी करता है, जो तुम्हें बुक में नहीं है तुम्हारे पास वो तुम्हें अवेलेबल भी कराता है। तो अभी हमें मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमारा क्लियर हो गया। एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो आरडी शर्मा बुक उठाओ 12th का, पूरा क्वेश्चन उसका नहीं करना सॉल्व, सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी को का के लिए, तुम वो समझो कि हेल्प बुक है एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा जो हेल्प बुक है, ठीक है। तो आरडी करो, इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन करो, और आरडी के एक्सरसाइज में सेम टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं उसको छोड़ दो। हाँ, आरडी में जो एमसीक्यू दे रखा है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रखा है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल याद रखो बेटा, अगर तुमने आरडी कर लिया ना, बता रहा हूँ, एनडीए के क्वेश्चन को बिल्कुल निकाल दोगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना एनडीए में वो मैथ से ही आते हैं। तो आरडी कर जाओ, अगर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में, थ्योरी नहीं पढ़ना है कि हम 24 घंटे बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैथ्स में थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन करो सॉल्व, थ्योरी पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व। तो आरडी के ऑब्जेक्टिव कर लो, और रही बात मेंस के लिए, तो मेंस के और एडवांस के मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, थ्योरी बता ही रहा हूँ, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एक बुक जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर करोगे तो तुम्हें बेनिफिट होगा। दूसरी बात क्या कि प्रीवियस ईयर भी कैसे करना है हमें सॉल्व, पहले तुम 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करो। दो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, एक आती है प्रीवियस ईयर आती है आपको 40 ईयर्स का, तो वो बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जेई मेंस और जेई एडवांस का भी आता है। तो 40 ईयर वाला कौन सा प्रीवियस ईयर लेना है, दिशा वाला लेना है, अरिहंत वाला मत लेना, उसके जो सॉल्यूशंस है वो थोड़ा टफ है, तो दिशा वाला प्रीवियस ईयर लो, दिशा का ले लो प्रीवियस ईयर, उसको अच्छे से सॉल्व करो। दिशा में क्या है, जो सॉल्यूशंस है वो थोड़ा इजी वे में दे रखा है। दूसरा जो प्रीवियस ईयर आता है वो भी दिशा ही का ले लो तुम, जेई मेंस वाला, और सॉल्व कैसे करना है तुमको 2010 से लेके 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 से पहले वाले नहीं करने। और जो बच्चे के पास टाइम कम है वो 2015 से लेके 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करो, मेंस का भी एडवांस का भी, ठीक है, ओके।